आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमएसएमई, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इंडियन इकोनॉमी का। और दूसरी बात, ये किस कोर्स कोड का है? एनईसी 105 एंड 205। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी काफी एक बढ़िया टॉपिक है। इससे काफी क्वेश्चंस आती है और इसका एक अलग ही मतलब सिग्निफिकेंट रोल है हमारा इंडियन इकोनॉमी में। जो एमएसएमई, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं, उसका एमएसएमई या स्टैंड फॉर होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो आपको ये जान के हैरानी होगा कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अबाउट 96.7% माइक्रो का होता है। ठीक है, अब आगे जाके माइक्रो पता चल जाएगा, छोटा यूनिट, सबसे छोटा यूनिट इकाई को कहते हैं। और ये दोनों को मिला के 3% हमारा एम्प्लॉयमेंट में जनरेशन। ये दो तरह को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है, एक तो पहला वो वेज एम्प्लॉयमेंट और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जैसा कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक हैज इमर्ज अ सिग्निफिकेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये पी जो एमएसएमई जो इंटरप्राइजेस है, इसका एक मतलब क्या है, वो उभरता हुआ सितारा है इंडियन इकोनॉमिक्स का। और इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन टर्म ऑफ जीडीपी में, शेयर में, और इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर के बाद। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात, दूसरी चीज है, इसका रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट में, इनोवेशन में, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोल रहा है, इनोवेशन मतलब कुछ समथिंग न्यू करने का। ठीक है, एक्सपोर्ट में भी, जब इंटरनेशनल ट्रेड में हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ से भी एक्सपोर्ट हम लोग बहुत सारे मैटर पर करते हैं। और ओवरऑल ये इंक्लूसिव ग्रोथ को भी, इंडियन इकोनॉमिक्स के इंक्लूसिव ग्रोथ को भी बताता है। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब है कि माइक्रो यूनिट आपका रूरल एरिया से लेके अर्बन एरिया, एक गरीब भी खोल सकता है। ठीक है, ये एक प्रकार के आप कह सकते हैं इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर के एक जबरदस्त कंबिनेशन है, जो इंक्लूसिव ग्रोथ कर सकता है। मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ ऐसा ग्रोथ कि सभी, ऑल सेक्टर ऑफ सोसाइटी गेट बेनिफिटेड, दैट इज द कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ, जो हमारा 12-5 ईयर प्लान का एक मेजर हमारा टारगेट था, इंक्लूसिव ग्रोथ रेट। क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स ग्रोथ को 8 तक किया, 10 तक किया, अराउंड 10 का किया, लेकिन डेवलपमेंट में हम अभी भी फेल हो जाते हैं कहीं ना कहीं। और इसका साफ दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है इंडियन इकोनॉमिक्स में, कि कुछ ना कुछ बिलो द प्रोवर्मन, मतलब क्या कहते हैं, मेजोरिटी ऑफ आवर पीपुल स्टिल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। जो आज इस डेवलपिंग इतनी बड़ी इकोनॉमिक्स के लिए ये बहुत शर्म की बात है। इट इज अ मैटर ऑफ शेमफुल, कम होना चाहिए। जो आज से हम 47 से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो 2 साल तक लड़ाई लड़े हैं हम, अंग्रेजों को तो भगा दिए, लेकिन आज भी गरीबी नहीं हम भगा सके हैं। ठीक है, अनइंप्लॉयमेंट को खत्म नहीं कर सके, करप्शन को नहीं खत्म कर सके, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, और इस सेक्टर को कंसीडर किया जाता है इंजन ऑफ ग्रोथ। किसी भी इकोनॉमिक्स का आप बात करो, डेवलप्ड इकोनॉमी का या डेवलपिंग इकोनॉमिक्स का, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं क्लासेस में, या अभी भी किया हूं, कि आज भी एमएसएमई, अगर हमारा शुरू से जब देश, व्हेन वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर, अगर उस समय से इस पर हम जोर दे देते हैं एमएसएमई में, तो आज चाइना, एक चाइना तो है ही था, लेकिन दूसरा इंडिया भी रहता, उससे कम बेसी ज्यादा ही रहता, लेकिन कम नहीं होता। क्योंकि उनसे ज्यादा हमारे यहाँ, जो आप कह सकते हो, पोटेंशियल है ग्रोथ करने की। क्योंकि हमारे यहाँ, ठीक है, जो क्या कहते हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो हमारा कंट्री, जैसा कि आप जानते हैं, डेमोग्राफी जो डिविडेंड के फेस से गुजर सकता था, और इस अपॉर्चुनिटी को हम कैपिटलाइज करने के लिए तैयार थे और रहते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जस्ट उल्टा स्थिति ड्यू टू पॉलिटिकल फैक्टर के कारण रहा है। ठीक है।